देखिए कितने क्रिस्पी और कितने करारे चिप्स बनके हमारे तैयार हुए हैं। आज हम बनाएंगे झटपट इंस्टेंट आलू के चिप्स घर पर ही। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। आलू में आपको एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी आलू ले सकते हैं लेकिन ये फ्रेश आलू लीजिए। पुराने रखे हुए थोड़े से, जैसे हमारे रखे हुए आलू सॉफ्ट हो जाते हैं, वो आलू मत लीजिए। एकदम फ्रेश कड़क आलू लीजिए। इसे इस तरीके से अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद में यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर लिया है जिससे हम आलू के चिप्स बना के तैयार करेंगे। इस साइड से हम ग्रेटर से इसे इस तरीके से बनाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं, हल्के हाथों से आपको इस तरीके से चिप्स बना के तैयार करने हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने पतले चिप्स हैं। आप चाहें तो हाथों से, अगर आप चॉपिंग में एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली आप इसे हाथों से भी बना सकते हो। बहुत सारे तरीके के चिप्स बनाने के लिए अलग अलग मशीन्स आती हैं, आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके से बना के, उस तरीके की मशीन यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ मैंने हल्का पानी लिया है, पानी थोड़ा सा ठंडा ही होना चाहिए। और यहाँ फिर मैंने इसे अच्छे से एक एक करके इस तरीके से चिप्स को धो लिया है। और धोने के टाइम पे एक बात याद रखना है कि बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेशर लगा के ना धोए, नहीं तो हमारे चिप्स टूट जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से इसका धो के, ये वाइट वाइट जो पानी है इसे हमें निकाल के फेंक देना है। यहाँ पे हम एक बार और चिप्स को धो लेंगे ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। देख ही सकते हैं पहले कितना वाइट हो रहा था पानी, अब कम है। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से आलू चिप्स को धोने के बाद में एक फ्रेश टॉवल ले लिया है। आप कुछ भी, एक कपड़ा वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से लेने के बाद में मैं इसे अच्छे से पूरे चिप्स को जो है वो एक एक करके फैला दूंगी। और फिर मैं इसका दूसरे साइड का टॉवल का कपड़ा लूंगी और इसे अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथों से टैप करके इसका जो एक्सेस वाटर है वो हमारे टॉवल सोख लेगा और टॉवल में आ जाएगा। और इसको फिर इस तरीके से छोड़ दीजिए पंखे के नीचे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। तो इसका सारा पानी जो है वो सूख चुका है। तो अब इसमें मैंने प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे अब हम चलते हैं तलने के लिए। यहाँ मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई में। तेल को आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे रखना है। और अगर आपका तेल बहुत धुआँदार गर्म होगा तो आपके चिप्स डालते ही लाल हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो उसे हमें बाजार जैसे वाइट और करारे चिप्स बनाने के लिए फ्लेम का सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखना है आपको कि फ्लेम जो है वो मीडियम ही होनी चाहिए, बिल्कुल तेज़ गर्म ना हो। एक एक करके इस तरीके से मैंने चिप्स डाल लिया है। इसे हम कंटिन्यूसली इस तरीके से हिलाएंगे ताकि अच्छे से सब तरफ से हमारे चिप्स जो हैं वो इक्वली क्रिस्पी हों और अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और इसे मैं इस तरीके से हिलाते हुए चिप्स को बना लूँगी। और लीजिए, 1 मिनट लगा है मुझे पूरा इसमें चिप्स को गलने के लिए और मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। और इसे आपको टिश्यू पेपर या कोई उसके ऊपर नहीं निकालना है, नहीं तो ये एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप इसे कोई प्लेट में या छन्नी में उस तरीके से ही निकालिए। तो देखिए आप कितने क्रिस्पी और हमारे वाइट ही हैं चिप्स, बिल्कुल उस तरीके से बन के तैयार हैं। तो ये मैंने सारे चिप्स को तल लिया है। तलने के बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर गरम गरम में ही थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद में यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाला है। घर पे ही ये मैंने पुदीना पाउडर बनाया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी चिप्स हमारे बन के तैयार हुए हैं।
इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को अपना सपोर्ट इस तरीके से देते रहिए। थैंक यू।